यूपी के बिजनौर में प्रॉपर्टी विवाद में एक बुजुर्ग की सरेराह पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सरेआम 20 सड़क पर बुजुर्ग पर अत्याचार, अपनों के जुल्म का शिकार हुए बुजुर्ग। पिटाई की यह तस्वीरें यूपी के बिजनौर की। एक बुजुर्ग सड़क पर गिरे पड़े, चारों ओर लोगों का जमावड़ा है। एक युवक और महिला बुजुर्ग पर जुल्म ढा रहे हैं। युवक बुजुर्ग का डंडा छीनने की कोशिश कर रहा है और महिला उस पर चप्पल बरसा रही है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग के अपने रिश्तेदार ही। महिला बुजुर्ग के भाई की पत्नी और युवक भतीजा, और ये लोग प्रॉपर्टी के लिए बुजुर्ग पर बीच सड़क पर अत्याचार कर रहे हैं। महिला कभी चप्पलों से बुजुर्ग पर वार करती है तो कभी पैर से मारती है। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर पिटाई के लिए बुजुर्ग की छड़ी छीनने में जुट जाते हैं। जब छड़ी छीनने में युवक नाकाम रहा तो जमीन पर गिरे बुजुर्ग पर लातों की बौछार कर दी। बुजुर्ग दर्द से कराह उठे, फिर भी उन्होंने आखिरी वक्त तक अपनी हिफाजत की। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग राजकुमार ने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा था, जिसके बदले अपनों ने उनकी पिटाई कर दी। जो भतीजे भावन ने मारकूट करी, जूते चप्पल से मारा, मुझे दंड से मारा कि बोले यहाँ शहर में दिखाई दिया तो तुझे गोली मार देंगे, यहाँ दिखाई मत देना आज के बाद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बुजुर्ग को डर है कि कहीं ये लोग प्रॉपर्टी के लिए उनकी जान न ले लें। टीम न्यूज़ नेशन।